फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखने वाले हैं कितने जो अधियाचना है वो विभाग से 2 महीने के अंदर भेजी जाती है बेल्टन को। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरी लाइव रियलिटी के साथ, कैलकुलेटर के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके कि 2 महीने के अंदर बेल्टन को कितनी अधियाचना आई है। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस जो होता है विभाग का, वो नोटिस आपके सामने रखकर और उसमें जितने भी वैकेंसीज हैं वो सारे वहां पे काउंट किए जाएंगे। उसके बाद आपको ऐड करके बताया जाएगा कितने वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसीज आई थी इस 2 महीने के अंदर, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, तो मार्च अप्रैल के जितने भी नोटिस है बेल्टन को भेजी गई है वो सारे नोटिस मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और सारे नोटिस को मैं आज आप लोगों के सामने वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे और कितना तारीख को यह अधियाचना गई है। ठीक है, तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस नोटिस को देख सकते हैं, शायद ये नोटिस आप सभी के पास होगा क्योंकि ये नोटिस बहुत पहले का है, कुछ दिन पहले का, बहुत पहले तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है, जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है 74 कैंडिडेट्स को ऑफलाइन कॉल के थ्रू और मिला से आया था जॉइनिंग के लिए और उन लोगों ने जाके जॉइनिंग कर भी लिया और उन लोगों को दो विभाग मिला, एक मर्द निषेध विभाग और एक निबंध विभाग, यानी कि निबंध विभाग रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, और मर्द निषेध विभाग, इन दोनों को मिला के लगभग 74 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। तो ये वही कैंडिडेट है जिनका कुछ दिन पहले ऑफलाइन कॉल आया था और मिला के थ्रू और 74 कैंडिडेट जो नियुक्ति पत्र मिल भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 74 कैंडिडेट हम लोग यहाँ ऐड करते चलेंगे, 74 अभियाचना को पहले हम लोग नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र, नियुक्ति वाले जो लिस्ट है क्योंकि कैंडिडेट का हुआ था वो लेटर वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये बेल्टन की तरफ से आई है। ठीक है, लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियमित प्रशासनिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा सुविधा पर उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 74 कैंडिडेट का जो जॉइनिंग हुआ था मनुष्य विभाग और निबंध में। ठीक है, तो ये इसका लिस्ट है, इसका पहला पेज है, इसका 2 पेज और भी है। ठीक है, तो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 तारीख का ये लेटर है, इसको भी आप देख ली। ठीक है, 6 अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं आगे अगले नोटिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लिखा गया है बेल्टन को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बेल्टन विषय में क्या है, WAMIS के लिए मानव बल के रूप में डाटा इंटरप्रेटर और एवं प्रोग्रामर की सेवा प्रदान के संबंध में। यहाँ पे HRMM WAMIS प्रभावी ढंग से सफलता पूर्वक लागू किए जाने मुझे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल बात करें हम लोग
यहाँ पे अल्ठान प्रोग्रामर में ये की प्रोग्रामर मतलब अल्ठान प्रोग्रामर है और 208 प्रोग्रामरों में टाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आवश्यकता है और यहाँ पे 208 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पे आप नोट कर ले। ठीक है, अनुरोध है कि अल्ठान अदर डाटा एंट्री ऑपरेटर सॉरी अल्ठान प्रोग्रामर और 208 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रबंधन एवं और प्रबंधनों में प्रतिनिधित्व किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 208 लेटर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लेटर तो यहाँ पे देख सकते हैं 8/4 का है, यानी कि 8 अप्रैल का ये नोटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांस संख्या 8/1/2022 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला नोटिस। ठीक है, उसमें क्या है और यहाँ पे देखिए ये है राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक शेखपुरा जो कि पॉलिटेक्निक ये शेखपुरा की तरफ से वेलकम तो लिखा गया है पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, और यहाँ पे उपयोग प्रथम संबंध में आपको सूचना करना है कि विभागीय आदेश अनुसार प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्था में एक संस्था अधिकतम 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर बैंकों को पटना के माध्यम से दी जानी है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस संस्था में पूर्व से 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संस्था में विभागीय आदेश अनुसार एक कुशल डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, यानी कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे नोटिस पढ़ेंगे। तो ये लेटर 15/3 का है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर नोटिस है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 13/3 का है। ठीक है, यानी कि 13 मार्च का ये नोटिस है। यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक राजकीय अभियंता महाविद्यालय के अनुसार अधिकतम 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध आउटसोर्सिंग के आधार पर बैंकों के माध्यम से ली जाए। इन कर्मियों का मानने का पूर्वाभ्यंतर महाविद्यालय की स्थापना पर प्रतिबंध हुए के मांग संख्या 43 अंतर्गत मांग संख्या 43 यानी कि 43 जो मांग किया गया है बैंकों को 43 राजकीय जो भी है महाविद्यालय वो या बैंकों को मांग की है 43 राजकीय महाविद्यालय अभियंतर। ठीक है, यहाँ पे 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जा रही है, यानी कि हम लोग 43 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो लगभग 200 मान के चलिए जितना भी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद यहाँ दूसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, महिला पॉलिटेक्निक संस्था। ठीक है, महिला पॉलिटेक्निक संस्था लगभग 2 या 3 है, उसमें से 2 या 3 जो भी हो। ठीक है, वही लगभग 200 मान के चलेंगे। ठीक है, और 200 वैकेंसी मान के चलिए इस विभाग से और यहाँ पे नोट करते चलेंगे। ठीक है, 200 की यात्रा गई हुई है। दूसरा नंबर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महिला पॉलिटेक्निक जो संस्था है वहाँ पे 3 डाटा एंट्री पर चाहिए, मतलब प्रत्येक महिला पॉलिटेक्निक होगी, यानी कि लगभग 3 या 4 महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, 3 में मान के चलिए 3 से 4 होना चाहते हैं 12-10 मान के चलिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 210 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी सारे हैं जितनी वैकेंसी है यहाँ पर हम लोग
ऐड करते चलेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर के साथ। तो चलिए पहले देख लेते हैं अगला नोटिस। तो उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे पंचायती राज विभाग वाला लेटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 4 अप्रैल का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विषय में कार्यपालक सहायक और लिंक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जिला से प्राप्त अधियाचना के आलोक के डाटा एंट्री उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यहाँ पत्रांक संख्या लिख के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे पत्रांक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है विभाग के, ठीक है, कितनी बार उनको अध्याचना लिया है बैठकों को, और कंट्रोल का गलती नहीं है यहाँ पे लोग कह सकते हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिसीव नहीं करते कॉल, तो उनके वजह से यहाँ पे जो है सीट खाली रह जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सीट की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले सीट की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लगभग, तो यहाँ पे आप क्लियरली ऊपर पढ़ सकते हैं, उपयुक्त प्रशासनिक विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा अब तक 765 डाटा एंट्रीपेट की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अभी भी विभिन्न जिलों में 193 पद रिक्त है। अपने पत्रांग में इतना में 13-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभिन्न जिले में कुछ दर्शाए गए 249 संविधान डाटा एंट्रीपेटर के रिक्त के विरुद्ध 253 डाटा एंट्रीपेटर की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है, यानी कि 350 में से 253 ही डाटा ओवर एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, 350 में से 253 ही ओवर एक्सेप्ट किए हैं, बाकी रिजेक्ट कर दिए या तो छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पे लेटर 4 अप्रैल को भेजा गया है बैल्टन को, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 253 डाटा उपलब्ध कराई जा चुकी है और बाकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न थोक की जिले में प्राप्त रिक्त संबंधित प्रतिवेदन के अनुसार अब तक 193 स्थानों पर कार्य प्रसारण डाटा इंटरप्रेटर के पद रिक्त, ठीक है, उपलब्ध नहीं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मान लें कि 193 यहाँ पे रिक्ति बचा हुआ है जो कि बेल्टन को भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अति आवश्यक समझा जाए। तो यहाँ पे देखिए दिनांक यहाँ पे आप नोट कर ले, 4 अप्रैल को यहाँ पे लेटर भेजा गया बेल्टन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीट की बात कर ले, तो 193 सीट यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे हम लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा उपलब्ध नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे 193 स्थानों पर कार्यपालक सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे 193 वैकेंसी अभी तक रिक्त है, यानी कि पंचायती राज विभाग में 193 वैकेंसी है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अति आवश्यक समझा जाए और पंचायत में RTPS काउंटर जो है वो सुचारू रूप से संचालन हो सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विश्व भाजक यहाँ पे दिखा हुआ है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो अब सारे वैकेंसीज को हम लोग ऐड करते चलेंगे, कितनी वैकेंसी जो मेरे में गया है। सबसे पहला यहाँ पे है 74 पहले वाला वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोटिस में था 208, ठीक है। उसके बाद एड पे चलेंगे, तो तीसरा वैकेंसी था 193 पंचायत राज विभाग, ठीक है। फिर एड करेंगे, यहाँ पे एक वैकेंसी है और 210 टोटल मिला के 211, ठीक है। तो एड कर लेंगे यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे हम लोग को वैकेंसी निकल के आ रही है मात्र 2 महीने की, दोस्तों मात्र 2 महीने की 686 वैकेंसी बेल्ट्रॉन के पास गई हुई है, ठीक है। यानी कि 2 महीने के अंदर 686 वैकेंसी गई है और ये सारी वैकेंसी बेल्ट्रॉन के पास अभी है। कितनों का जॉइनिंग हुआ है, कितने का नहीं है, ये सारे बेल्ट्रॉन को पता होगा, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे 686 वैकेंसी बेटन के पास जा चुकी है। इस तरह की वैकेंसी अगर हर महीने आती रही तो आप सभी लोगों का नियुक्ति जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। क्लियर हो गए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।